मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में जो लोग ज्ञानव्यापी परिसर मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हम उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दरअसल गृह मंत्री ने चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह पर निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में केंद्र सरकार पर तंज कसा है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका और चीन मंगल ग्रह पर खनिज ढूंढकर उनके खनन के प्रयास कर रहे हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध दर्ज करना चाहिए, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी, साथ में पर्यावरण भी असंतुलित होगा। वहीं कोरोना के नए मामलों पर मध्य प्रदेश के हालातों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 45 मामले सामने आए हैं, जिनमें 35 ठीक हुए हैं, तो वहीं 236 एक्टिव मामले हैं। 8000 सैंपल लिए गए हैं, वहीं रिकवरी रेट 98.7% है। हालात काबू में हैं और ऐसे में लोगों को कोरोना से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वैक्सीन के साथ ही मास्क भी लगाना जरूरी है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।